सब भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। मैं आपका अपना फौजी द वेडिंग सोल्जर यूट्यूब चैनल से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ मेमोरी कार्ड। आज का टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ मेमोरी कार्ड। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज बता दूं अपनी वीडियो का कंटेंट शुरू करने से पहले कि आप मेरी जितनी भी लास्ट जो वीडियो देख चुके हों उनमें मेरा एक काम होता है कि जो भी मेरा सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट में मैं लास्ट में वीडियो में एक आपको बोनस पॉइंट बताता हूँ। तो प्लीज़ बिना स्किप करे इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि वो बोनस पॉइंट भी आपको मिले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ मेमोरी कार्ड या स्टोरेज मीडिया। जब हम फोटो खींचते हैं तो वो किस चीज़ में हम सेव करते हैं, अपने कैमरा में, उसके बाद अपने कंप्यूटर में। जैसे कि आप मेरे हाथ में एक कैमरा देख रहे हो, ओल्ड इज गोल्ड, इनमें होता था हमारा नेगेटिव। तो नेगेटिव भी अलग अलग टाइप के आते थे कि इसमें इतनी फोटो खींचेगी, ये इतने ISO का है, क्योंकि ये इसका स्टोरेज मीडिया था। बट अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है, हर चीज़ आपको ISO के लिए अलग से मेमोरी कार्ड नहीं लेना पड़ता। तो उसमें भी जो मेमोरी कार्ड्स हमारे हैं, आज हम उनको लेके बात करेंगे भी क्या मेमोरी कार्ड होते हैं, क्या उनका काम है, कैसे उनका ध्यान रखा जाए और कौन कौन से टाइप के मेमोरी कार्ड आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज के टाइम में मार्केट में अलग अलग टाइप के कैमरा आ रहे हैं, लेंसेज आ रहे हैं, हर कंपनी नया मॉडल लॉन्च कर रही है। तो वो हमारे साथ में एक काम अलग से हो जाता है, हर कैमरे का लगभग वो अपना मेमोरी कार्ड स्लॉट चेंज कर देते हैं। तो आज के टॉपिक में ये मेमोरी कार्ड कितने टाइप के हैं हम इसी को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CF कार्ड। CF कार्ड मतलब कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड। ये एक्चुअल में आपको मैं इमेज साथ में दिखाता रहूंगा कि बीच में ये कौन सा कार्ड है। ये कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड होते हैं, इनकी स्पीड अच्छी होती है और ये सबसे सॉलिड मेमोरी कार्ड होते हैं मजबूती के मामले में, और ये काफ़ी अच्छे होते हैं। बट इनका एक हल्का सा नुकसान है, अगर कोई इनको जो रेगुलर यूज नहीं करता है वो फोटोग्राफर अपने कैमरा में पुट करता है, अगर गलती से वो इनको उल्टा पुट कर दे, फोर्सफुली पुट कर दे, तो ये आपके कैमरा के लिए हार्मफुल हो सकता है। उसके बाद आता है जो सबसे कॉमन कार्ड है हमारा, वो कार्ड है SD कार्ड। बट SD कार्ड का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो CF कार्ड है इसके अंदर अलग अलग वैरायटी है। जैसे कि हर किसी के अंदर होता है कि आपका जैसे CF कार्ड हो गया, फिर वो CF फास्ट, ताकि एक ही टाइप ऑफ कार्ड में अलग अलग स्पीड वैरायटी के आपको कार्ड मिलते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। यही जितने भी मैं कार्ड आपको बताऊंगा सभी कार्ड में ये चीज लागू होती है। उसमें आपको स्लो स्पीड के भी कार्ड मिल जाएंगे, उसमें आपको हाई स्पीड के भी कार्ड मिल जाएंगे, बट वो सेम ही रहते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा SD कार्ड। SD कार्ड में हमारा होता है कि सिक्योर मीडिया, सिक्योर डिजिटल मीडिया। सिक्योर से ही आपको पता लग रहा है कि ये सबसे सिक्योर फॉर्म में आता है और ये एक इंटरनेशनल ऐसा स्टैंडर्ड है कि ये कार्ड आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। और तो और आपके लैपटॉप में आपके जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आती है वाईफाई वाली, उनमें डायरेक्ट इसको पुट करने का, प्रिंटर्स में डायरेक्ट पुट करने का एक स्लॉट होता है। ये इतना कॉमन कार्ड है सिक्योर SD कार्ड। इसके अंदर आपको मैं बता दूं ये आपके भी अलग अलग स्पीड में आपको मिलेंगे। इसमें अल्ट्रा सीरीज आती है, एक्स सीरीज आती है और ये आपके मैक्सिमम आज के टाइम में जो मार्केट में कैमरा अवेलेबल है सब में इसका स्लॉट होता है। अब नंबर 3 पे आता है हमारा माइक्रो SD कार्ड। माइक्रो SD कार्ड मतलब कि छोटा सिक्योर डिजिटल कार्ड। उसमें होगा क्या, वो कार्ड आपका छोटा होगा बट वो जैसे कि ड्रोन्स में मैक्सिमम माइक्रो SD कार्ड लगता है। और सबसे बड़ा एग्जांपल आपका मोबाइल, जिस बाइक पे आज के टाइम में भी मेमोरी कार्ड वाला मोबाइल है तो वो माइक्रो SD कार्ड यूज करता है। उसके बाद आता है हमारा सोनी मेमोरी स्टिक। सोनी की ये कार्ड आते हैं, इमेज आपको साथ के साथ दिखते रहेंगे। इतनी लंबी स्टिक होती है, कम से कम 2 से 2.5 इंच प्रो ड्यू टाइप। बट उसका एक लॉस है कि उसके कार्ड रीडर, फिर उसको इतनी जल्दी से आप एक्सेस नहीं कर सकते। वो एक कॉमन कार्ड नहीं है कि अगर आपके पास है, आप कहीं पे जाते हो तो बोलो कि इसमें से डाटा निकाल दो, वो पॉसिबल सा नहीं होता, क्योंकि उसके मेमोरी कार्ड का जो कार्ड रीडर है वो हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाता। और उसके बाद आता है हमारा XQD कार्ड, जो आज के टाइम में निकोन ने अपने कैमरा में डालने की अथॉरिटी के साथ हमें दिया है। Z6 में ये डलता है, Z7 में डलता है और लुमिक्स का S1R, S1 दोनों के अंदर ये स्लॉट है।
एक्स क्यूडी कार्ड ने जगह ली है सीएफ कार्ड की। जैसे सीएफ कार्ड फास्ट होता था, सीएफ फास्ट, उसी तरह एक्स क्यूडी जो एक कार्ड है हमारा, इसकी जो डाटा ग्रैपिंग की स्पीड है वो काफ़ी अच्छी होती है। अब ये थे हमारे सारे टाइप के जो आज के टाइम में मार्केट में कार्ड अवेलेबल है। वैसे बहुत से कार्ड थे मार्केट में अवेलेबल, बट न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वो चेंज हो चुके हैं, तो पुराने की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि पुराने को कोई पूछता नहीं है, बट ओल्ड इज गोल्ड। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ मेमोरी कार्ड। अब ये मेमोरी कार्ड का क्या काम है, हम इनके बारे में बात करेंगे। मेमोरी कार्ड से आप जो फोटो वगैरह स्टोर करते हो अपने कैमरा से कार्ड में, उसके बाद आप इसको कंप्यूटर में या कहीं पे भी सेव करते हो, ये आपका एक स्टोरेज मीडिया है जो कैमरे के फाइल आपको कंप्यूटर में भेजा सेंड करने में काम करता है। ये अलग अलग टाइप के हैं, टाइप मैंने आपको बता दिए। अब इसमें से आपको कौन सा खरीदना है वो आपके ऊपर है। अगर आप वीडियो बनाते हो या 4K शूट करते हो या रो फाइल पे शूट करते हो तो आपको हाई स्पीड वाले मेमोरी कार्ड लेने होंगे, क्योंकि हाई स्पीड मेमोरी कार्ड जितना ही उसकी वजह से आपका कैमरा कभी बफर नहीं करेगा, डाटा स्पीड से कॉपी होगा। क्योंकि अगर आप रो पे शूट करते हो या 4K वीडियो बनाते हो तो आपका कैमरा हैवी फाइल आपको देता है, अगर आपका मेमोरी कार्ड स्लो होगा तो वो कैमरा हैंग कर देगा। उसके एग्जांपल में मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप कोई पुराना कार्ड अपने कैमरे में यूज़ करके वीडियो बनाते थे तो उसमें क्या होता था कि कई बार आपको 8 या 10 सेकंड के बाद कैमरा आपके रिकॉर्डिंग को ऑटो स्टॉप कर देता था। तो कुछ लोगों में ये बात आ गई थी कि भाई ये शायद हमारे कैमरे में प्रॉब्लम है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये कार्ड स्लो होने की वजह से है। जैसे आप कोई कैमरा लेते हो नया तो आपको मेमोरी कार्ड भी अपडेट करने चाहिए टाइम से टाइम, क्योंकि जितनी बार कैमरा में आपके कार्ड आप डालोगे वहाँ से निकाल के फिर कार्ड रीडर में डालोगे, जो उसके कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं बार बार यूज़ करने से उन पे फ़र्क पड़ता है, वो आपको चेंज करने चाहिए। तो अब आता है कि इनका ध्यान कैसे रखें। इनका ध्यान के लिए देखो, डायरेक्ट सनलाइट में आप इनको मत लेके जाओ, ज़्यादा सनलाइट हैवी टेम्परेचर में, इसके जो अंदर की बिल्कुल माइक्रो से माइक्रो नैनो माइक्रो कंपोनेंट होते हैं उनको हार्मफुल होता है। आप इन्हें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास ना रखें, हैवी मैग्नेटिक में इसको ना लेके जाएं, उससे क्या होगा कि जो इसके कंपोनेंट है उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी और कार्ड आपका करप्ट भी हो सकता है। मैंने बहुत से ऐसे केस सुने हैं कि हार्ड ड्राइव में डाटा था बट हैवी मैग्नेट और एक्सेस ऑफ टेम्परेचर की वजह से वो सारा डाटा लॉस हो गया। तो दोस्तों ये थे आज का हमारा पॉइंट मेमोरी कार्ड को लेके, बट जाने से पहले आज का बोनस पॉइंट वो भी इसी के रिलेटेड। तो दोस्तों जैसे आप कोई फोटो खींचते हो वीडियो बनाते हो, आपका कैमरा में जब आप कार्ड डालते हो तो कैमरा खुद से उसके अंदर 2 या 3 फोल्डर जनरेट करता है, बट जब आप कॉपी करते हो, मैक्सिमम फोटोग्राफर्स कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो सिर्फ अपनी इमेज या अपनी वीडियो फाइल ही कॉपी करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। कैमरा जो आपको फाइल बनाता है वो केबीज में होती है, वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेगी, तो आपको जितना भी वो टोटल फोल्डर बनाता है वो सारा सेव रखना चाहिए। इन फ्यूचर कभी भी गलती से अगर आपका कार्ड फॉर्मेट हो जाता है तो वो अगर फाइल्स होंगी तो वो रिकवरी में आपको हेल्प करेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट हमारे मेमोरी कार्ड को लेकर, इन्हें कैसे खरीदना चाहिए और कौन सा खरीदना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए इनके साथ, क्या नहीं करना चाहिए, और बोनस पॉइंट कॉपी वाला। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ये इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने के लिए मेरी इस वीडियो को शेयर करें और मेरे द वेडिंग सोल्जर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सब भाइयों को मेरी तरफ से राम राम।